You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के गेट की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और ये लास्ट मोमेंट हम आपको टिप्स देने जा रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम आपको देना है। तो दो चीज़ों पे विशेष आपको ध्यान देना है, दो ही चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकती हैं। पहला है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है आपका एक्यूरेसी। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी वैसे दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि आप अगर टाइम मैनेज करने की कोशिश करोगे तो एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, और एक्यूरेसी लाने की कोशिश करोगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ आपको करना क्या है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट में आपको फोकस करना है, जैसे ही आप टेक्निकल पोर्शन को ओपन करेंगे तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको दो टाइप के टॉपिक दिखाई देंगे, एक जो आपने पढ़े हुए हैं नॉन क्वेश्चंस रहेंगे और दूसरे जो आपके लिए अननोन क्वेश्चन रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे सामने कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो हमने पढ़े नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि हम माइक्रोवेव की तैयारी करके नहीं गए माइक्रोवेव की तैयारी करके, और उसका क्वेश्चन दिख गया लेकिन हमें देखने में इजी लग रहा है और हम वो सॉल्व करने लगे, उसमें टाइम वेस्ट हो गया, और गेट के एग्ज़ाम का लेवल इतना भी नीचे नहीं होगा कि आप बिल्कुल तैयारी करके नहीं गए होगे जिस टॉपिक के, वो आप पे बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे टॉपिक्स जो आप तैयारी करके नहीं गए हो वो स्टार्टिंग में आपको टच नहीं करना है, जब तक कि आपका कंप्लीट पेपर कंप्लीट ना हो जाए जो कि आप पे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद लौट के आ सकते हैं आप। तो आपको ध्यान रखना है कि अननोन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को इनिशियली आपको टच नहीं करना है, ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। कई बार क्या होता है, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और जो हमारे नॉन क्वेश्चन हैं उन तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब आप नॉन क्वेश्चन जो आप पे बनते हैं, जो आप पे टॉपिक बनते हैं उनमें जाओगे तो उनमें भी दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक वैसे क्वेश्चन कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो 1-1.5 मिनट में सॉल्व हो गया, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 3.5 मिनट में सॉल्व हो गया, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आप 100% कर लोगे, लेकिन आप करते जा रहे हो, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, वैसे टाइप के क्वेश्चन को भले ही आपको लगे कि ये हम 100% कर लेंगे, लेंथी खिंच रहा है, ऐसे एक दो क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं जो कि आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल को देखते हैं। तो वो लेंथी क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चन को आप मार्क कर दीजिए, जिससे कि जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो लौट के आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उनको मार्क नहीं किया, उनमें लगे रहे, तो वो भले ही सही भी कर लोगे आप, फिर भी आपके 3-4 क्वेश्चन का टाइम खा जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एक तो अननोन क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है स्टार्टिंग में, बाद में लौट के आइए अगर टाइम बचा। दूसरा, जो क्वेश्चन आप पे बनता भी है लेकिन बहुत टाइम ले रहा है, उस क्वेश्चन को मार्क करके आप आगे बढ़ जाइए, तो यहाँ से बहुत सारा आप टाइम बचा लेंगे। तीसरी चीज़, आपकी यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमम लोग जो लोग हिंदी मीडियम वाले रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सही हो सकता है, और उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में, अगेन मैं वही करूँगा कहूँगा, चाहे इंग्लिश का क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो, अगर आपको वो नहीं पता है तो उसमें एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ मत लगाइए, क्योंकि गेट का क्वेश्चन इतना लो लेवल का नहीं होगा कि आपने जो नहीं पढ़ा है वो भी बन जाए। तो खासतौर से जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको अगर इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन, जो 6 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड वाले पार्ट में, वो अगर 100% श्योर नहीं है तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें पढ़ के। तो यहाँ से तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, और थोड़ा सा एक और ध्यान दे सकते हैं कि आप लोग घड़ी पहन जाते हैं, वॉच पहन जाते हैं, तो हर आधा घंटे में चेक कर लें कि इस पर्टिकुलर आधा घंटे में हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए कि नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 घंटे हैं, 65 क्वेश्चन हैं, तो 11 क्वेश्चंस पर 30 मिनट अगर हम लेके चलेंगे तो 66 का टारगेट हो जाता है। 11 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्टेड की बात नहीं कर रहा है कि हमने अटेम्प्ट कर लिए, 11 क्वेश्चन देख लिए एटलीस्ट, और अगर उससे किसी आधा घंटे में 11 क्वेश्चन से कम होते हैं तो अगले आधा घंटे में आप कोशिश करो कि उससे ज़्यादा कर लो, जिससे कि कवर हो जाए, जिससे ऐसा ना हो कि पता चला आपके 2.5 घंटे हो गए और टोटल क्वेश्चन अभी 30 ही हुए हैं और 35 क्वेश्चन बाकी हैं, अब आधा घंटा बचा है। तो हर आधा घंटे में आप टाइम चेक करते रहिए, जिससे कि आप पे लास्ट के आधा या 1 घंटे पे लोड नहीं आएगा और आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। अब टाइम पे फोकस कर लिया तो एक्यूरेसी कैसे हम करेंगे। एक्यूरेसी में ध्यान दीजिए, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब एक्यूरेसी हमें संभालना है तो टाइम देना पड़ेगा, तो कैसे मैनेज करेंगे देखिएगा।
एक्यूरेसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में खास तौर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे तो इजी रहते हैं, लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं कि यूनिट चेंज होती है। जैसे कि मान लीजिए एक सर्किट का क्वेश्चन आया नेटवर्क का, उसमें कुछ रेजिस्टेंस है किलो ओम में, एक कोई रेजिस्टेंस उन्होंने ओम में ले लिया, और हम सारे रेजिस्टेंस पे फोकस ना करके एकदम से सबको किलो ओम में रख के सॉल्व कर देते हैं, गलत हो जाता है हमारा आंसर। या ऐसा भी हो सकता है कि किलो ओम में सारे रेजिस्टेंस हैं, आपसे करंट निकालने को बोली है, तो नॉर्मल सी बात है वोल्टेज वोल्ट में होगा, रेजिस्टेंस किलो ओम में होंगे, तो करंट आएगी मिली एम्पियर में। आपने करंट की वैल्यू निकाली मिली एम्पियर में, लेकिन उन्होंने बोला है कि फिल दी वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर। आपने करंट निकाली मिली एम्पियर में, आपने न्यूमेरिकल डेटा फिल कर दिया, लेकिन उन्होंने पूछा है एम्पियर में, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो एक्यूरेसी के लिए आपको यूनिट पे फोकस करना पड़ेगा विशेष तौर पे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दशमलव के कितने अंक तक फिल करना है, डेसिमल पॉइंट के कितने अंक तक फिल करना है, इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। कई बार लिखा रहता है कि अप टू डेसिमल 3 पॉइंट, तो 3 तक ही फिल करना है आपको, अगर वो नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक और चीज़ ध्यान रखना है, कई बार मान लीजिए किसी का वोल्टेज गेन निकालने को बोला और वहाँ पे बोल दिया डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज गेन। अब आपका वोल्टेज गेन तो आ रहा था नेगेटिव, और आपने नेगेटिव करके फिल कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड, तो साइन तो रखना ही नहीं था, तो हमेशा पॉजिटिव नहीं रखने को बोल रहा है, हम ये बोल रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर मैग्नीट्यूड बोला है तो पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव कोई गेन आ रहा है तो नेगेटिव भी रखना। एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, आपको पता है, तो अगर आप तुक्का लगाओगे तो आपका जाएगा तो कुछ नहीं, मतलब जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसमें आप लोग एक तुक्का लगा सकते हो, तो तुक्का लगाने से फायदा भी तो होना चाहिए। आप देखिए कि उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 1/4 प्रॉबिलिटी रहती है सही होने की, 4 में से 1, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप कौन सा आंसर लगाओगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शन है, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगी, 0 प्रॉबिलिटी होती है सही होने की। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देते हो गेट का पर्टिकुलर, तो एकाध ना एकाध न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर 0 होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको अप्रोक्सीमेट वो क्वेश्चन सॉल्व करते बनता है तब तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर लगा दीजिए जो भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो उसका आंसर 0 फिल करके आइए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होना नहीं है, लेकिन हर पेपर में एकाध क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका मार्क्स जिसका आंसर 0 होता है, तो उससे आपको हो सकता है फायदा हो जाए। यहाँ पे सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एकाध क्वेश्चन का आंसर 0 रहता है, 0 के अलावा कुछ और लगाओगे तो 100% है कि आपका सही आंसर नहीं होगा अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हाँ, अप्रोक्सीमेट आपको पता है तो अप्रोक्सीमेट लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी रेंज पूछी जाती है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वैसे तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ही तरह सॉल्व करना चाहते हैं करते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है ऑप्शन देख के आंसर निकालना। ऑप्शन देख के आंसर कैसे निकालोगे, ऑप्शन देख के आंसर ऐसे निकालना है कि जैसे कि मान लीजिए एक आरसी कोई सर्किट है, उसमें कैपेसिटर का वोल्टेज पूछा है, तो कैपेसिटर के वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन अगर आप देखो तो उसमें इक्वेशन में एक तो आपको टाइम कांस्टेंट दिखाई दे जाएगा डायरेक्टली इक्वेशन देख के ऑप्शन देख के, दूसरा दिखाई दे जाएगा टी इज इक्वल टू 0 वैल्यू रख दोगे तो इनिशियल वैल्यू, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख दोगे तो फाइनल वैल्यू। तो आप चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि अगर टाइम कांस्टेंट डिफरेंट है तो आप सर्किट का सिर्फ टाइम कांस्टेंट निकाल दीजिए, चारों का अगर अलग अलग है तो आंसर आ जाएगा, आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना। अगर मान लीजिए 2 का टाइम कांस्टेंट सेम है और 2 में अलग अलग इनिशियल वैल्यू सेम है तो फाइनल वैल्यू निकालना ही नहीं है, सिर्फ इनिशियल वैल्यू और टाइम कांस्टेंट से सॉल्व हो जाना है। और अगर इनिशियल वैल्यू 2 की अलग है और 2 की फाइनल वैल्यू अलग है, और ऐसा मैनेजमेंट हो रहा है कि अगर आप इनिशियल और फाइनल निकाल लें तो आपका एक ऑप्शन कंफर्म हो जाएगा, तो आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालना है, मतलब ऑप्शन देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हैं, मतलब अगर आपको पता चल जाए कि पहले और दूसरे में टाइम कांस्टेंट सेम है और पहले और तीसरे में फाइनल वैल्यू सेम है तो दोनों निकाल लीजिए, टाइम कांस्टेंट और फाइनल वैल्यू, उतने में ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ऐसा करते करते आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, अब अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है 10-15 मिनट बचते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, तो उन क्वेश्चन पे जाइए पहले जो सॉल्व कर लिए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट है, उनको चेक कीजिए कहीं गलती तो नहीं की। आप देखोगे कि 1-2 क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो गए होंगे क्योंकि जल्दबाजी हो ही जाती है, तो उन क्वेश्चन को सुधारिए। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आपने मार्क किया था अननोन, जो नॉन वाला जो आपको पता था कि कर लोगे लेकिन टाइम लग रहा था, उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर भी टाइम अगर बचता है
तो अननोन क्वेश्चन की तरफ जाइए। तो आप पे अननोन क्वेश्चन अगर बन रहे होंगे तो ठीक है, नहीं बन रहे होंगे अगर टाइम बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि जो बन रहे थे वो भी हमने नहीं कर पाए। हाँ, एकाध क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो यूनिट बेस्ड आता है, मतलब आपने कभी नहीं पढ़ा होगा वो, लेकिन वो ऐसा होगा कि आपको यूनिट से पता चल जाएगा, जो होता है ना कि लेंथ की यूनिट गिवन है और सेकंड टाइम की यूनिट गिवन है और वोल्टेज पूछा गया है, तो कंफर्म है लेंथ पर यूनिट सेकंड से आपका, सॉरी आपसे वेलोसिटी पूछी गई है अगर, तो लेंथ पर यूनिट सेकंड से आपको क्या निकल आएगा, वेलोसिटी निकल आएगी। तो कुछ यूनिट बेस्ड एकाध क्वेश्चन कभी कभी आता है तो वो भी हो जाएगा। तो ये आप टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी में जब बॉन्डिंग बना लेंगे तो आपके 2-4-5 मार्क्स तो ऐसे ही इंक्रीज कर जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और वो जरूर ध्यान दीजिए कि हर 30 मिनट के बाद आप चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन हो गए। चेक मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, लगभग 30 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा लगभग 30 मिनट हो गए तो आप देख लीजिए 10-11 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए, नहीं तो इसी में टाइम वेस्ट करते रहो। तो ऐसा करेंगे तो आपके 2-4 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए। गुड लक, थैंक यू सो मच।